वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। हिम्मत और यू नो भरोसा हम सबको रखना होगा ऐसे वक्त पे गाइज। जो हो गया हो गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है गाइज। और रो के और मायूसी उदासी दिखा के अब कुछ होने वाला नहीं है। जितने भी सलमान खान के फैंस हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ, इस वक्त में, इस घड़ी में आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको यू नो सलमान खान को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना होगा। और यही मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है गाइज, बी स्ट्रांग एंड बी ह्यूमन। ओके गाइज, बस। सो गाइज, अब बात करते हैं कि अब आगे ये प्रोसीडिंग्स में होगा क्या। गाइज, गैलेक्सी अपार्टमेंट से न्यूज आ रही है कि सलमान खान एंड सलीम अंकल बोथ आर डिवास्टेटेड। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि यू नो कि उनको 5 साल की सजा होगी सलमान खान को। लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि मिनिमम एटलीस्ट अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो 3 साल की सजा होगी। लेकिन गाइज, अब क्या होगा? जेल से फुटेजेस आ रहे हैं, सलमान खान की फोटो, ही इज एट काम, ही इज एट ईज। उन्होंने काफी यू नो इसको नेगेटिविटी नहीं लिया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान को जेल में यू नो रात गुजारनी पड़ी है। इससे पहले भी जो 4 मामले थे उसमें से जो लोअर कोर्ट थी उनको सजा दी थी उन्होंने, तब उनको रात जेल में गुजारनी पड़ी थी। और इसी के कारण जब उनके लॉयर हाईकोर्ट में गए तो 6 दिन के बाद उनको बेल मिली। तो अब सबसे पहली चीज जो अलवीरा और अर्पिता, जो दोनों सलमान खान की बहनें हैं, वो जोधपुर में है। एक रीजन था, बहुत लोग बोल रहे हो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं वहां पर, टाइम पास करने के लिए जा रहे। गाइज, दोज टू आर द पिलर्स ऑफ सलमान खान। उनकी बहनों ने उनका इतना साथ दिया है गाइज, जब जब सलमान खान पे आ चाहिए। उनकी जो 2 बहनें हैं अलवीरा और अर्पिता, दोनों ईट से ईट बजा देती है यू नो, हर कोने जाकर वो लीगल यू नो इशूज को हैंडल करती है। एंड दे आर द पीपल हु हैंडल द लीगल इशूज। अब सबसे पहली बात, कल उनको जाके जोधपुर हाईकोर्ट पहुंचना है और बेल प्ली फाइल करनी है। यस फ्रेंड्स, 10:30 AM का टाइमिंग दिया है, वहां पे कैसे भी पहुंच के इन लोग को जेल प्ली यू नो बेल प्ली फाइल करनी है। अगर खुदा ना खास्ता कल सलमान खान को बेल नहीं मिलती है तो गाइज ये हियरिंग सीधा मंडे को जाएगी। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, वहां पे 6 दिन उनको रहना पड़ा था। जो लोअर सेशंस कोर्ट था उन्होंने उसको सजा सुनाई थी और इसके वजह से जो ऊपर हाईकोर्ट पे गए थे वहां वो लोग लेट हो गए थे और इसी के कारण 6 दिन उनको रहना पड़ा था जेल में। तो गाइज सबसे पहली बात है कि अब जो बेल प्ली फाइल हुई है, कल 10:30 बजे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, हियरिंग होगी 10:30 बजे और फिर सलमान खान को बेल मिल जाएगी। इतना वहां से श्योरिटी आ रही है जोधपुर से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस, दिल दुखता है, बहुत दुख से बोलना पड़ता है कि यू नो जब एक आदमी कन्विक्ट होता है तब उसे रात को जेल के कपड़े पहनने पड़ते हैं और वही सलमान खान को करना पड़ेगा। इट इज अ मॉकरी व्हिच हैज हैपेंड टुडे, वेरी अपसेटिंग। पूरी इंडस्ट्री शोक में है गाइस। देखा नहीं गया मुझसे सलमान खान जब जेल में घुसे। सीरियसली गाइज, इस देश में और बहुत सारे बड़े अपराध हैं और ऐसे अपराध हैं जो लोग कर करके भाग चुके देश में, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे एक इंसान है जो पिछले कई सालों से इंसानियत के लिए लड़ता आ रहा है, जिसके वजह से कई लोग जिंदा है इस दुनिया में, लेकिन उसके पीछे लोग हाथ धो के पड़े। व्हाई? जस्ट बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी? हाँ, जस्ट बिकॉज हिज नेम इज सलमान खान? वेल गाइज, मुसीबत तो हर एक आदमी पे आती है, लेकिन जितने भी सलमान खान फैंस हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस टाइम पे किसी स्टार वॉर्स में मत पड़िए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, बी स्ट्रांग। ये मुश्किल की घड़ी है, आप लोग सब लोग साथ में रहिए एंड इंशाल्लाह कल सुबह 10:30-11 बजे सलमान खान विल बी फ्री, उनको बेल मिल जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। ओके गाइज, आई होप अभी आप सब लोग, बहुत गंदे गंदे मैसेजेस आए गाइज मुझे, कुछ लोग बोल रहे हैं हम लोग खाना खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ लोग बोल रहे हैं हम लोग रो रहे हैं। शोक की लड़ी यू नो, पूरा बॉलीवुड बड़े से बड़ा आदमी हिल चुका है सलमान खान को जेल में जाता हुआ देख के, बिकॉज ही वॉज एन आइडल फॉर एवरीबडी। उनको आंखों के सामने उनको जेल में जाता हुआ देख के आदमी खड़ा नहीं रह पाए गाइज। ओके गाइज, सो आई होप आज रात जो भी है वो बीत जाए, कल सुबह जैसे यू नो उनका हियरिंग आए और उनको बेल मिल जाए इंशाल्लाह। ओके गाइस, मैं आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टे कूल मैन। ओके बाय।